चलते चलते हंसते गाते यूं कटे सफर जिंदगी का, सफर जिंदगी का। नमस्कार, सफर जिंदगी का शो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं श्रीमान अशोक जी शर्मा से, जो कि जादूगर होने के साथ साथ कई विधाओं से जुड़े हुए हैं और इन्हें कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। तो आइए हम आपकी मुलाकात इनसे करवाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सफर जिंदगी का शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आप सफर जिंदगी का शो में आए हैं तो हम इसमें आपसे ही आपके सफ़र के बारे में पूछना चाहेंगे कि आप अपने ज़िंदगी के सफ़र को किस तरह देखते हैं। बड़ा कठिन सवाल है। पर आपकी जो मेरा ज़िंदगी का सफ़र, आज मैं कहूँगा कि ये ज़िंदगी का सफ़र है कि हम आपके पास हैं और इस ज़िंदगी के सफ़र में ये आज आपने अवसर दिया, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन ज़िंदगी का सफ़र यहीं थमने वाला नहीं है और हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को अपना एक कोई विशेष ध्येय बनाना चाहिए। मैंने भी ये सोचा है कि बुज़ुर्गों के प्रति और सीनियर्स के प्रति, माँ बाप के प्रति एक जिम्मेदाराना कार्य हो। तो मैं तो दर्शकों को ये संदेश दूंगा कि अपने माता पिता का जन्मदिन याद रहे, उसको मनाया जाए। बुज़ुर्गों की सेवा के साथ साथ बच्चों का जन्मदिन हर माँ बाप मनाते हैं, माँ बाप का जन्मदिन बच्चे मनाएं। इसके लिए मैं कहूँगा कि हर दर्शकों में हर व्यक्ति को ये प्रेरणा मिले कि अपने बच्चों का जन्मदिन और अपने माँ बाप का जन्मदिन दोनों बड़ा महत्व रखते हैं। साथ ही समाज के कार्यों में भागीदारी होनी चाहिए, चाहे वो सड़क सुरक्षा हो, बच्चों की या असहाय व्यक्तियों की शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो। और मैं तो कहता हूँ कि मनुष्य को स्वयं के अलावा दूसरों के लिए ज़रूर जीना चाहिए। सभी को माननी चाहिए बात। सर आप मूलतः कहाँ के निवासी हैं और आपकी शिक्षा कहाँ से हुई? हम मूलतः, मैं करौली, जिला करौली जी, जो कि कैला देवी प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है उसके पास, लेकिन ज़्यादातर पापा की सर्विस के कारण मेरा रहना गंगापुर है, अधिकतर शिक्षा गंगापुर कोटा रही है। और आपकी शिक्षा और निवास कहाँ से पूरा किया आपने? शिक्षा शुरू तो करौली से हुई थी, लेकिन ज़्यादातर पार्ट जो शिक्षा का है मिडिल क्लास तक गंगापुर सिटी रहा है, उसके बाद से कोटा और गंगापुर सिटी आ, इसी बीच में मेरा शिक्षा का कार्यक्रम कोटा से पूर्ण हुआ है। सर जादू के प्रति आपका लगाव कैसे हुआ? शिक्षा के दौरान शौक हुआ था मुझे, जब मैं कॉलेज में था तो मुझे 82 में जादू का एक शो देखा मैंने करौली में, हमारे लोकल जादूगर थे, उनका शो देखने के बाद इच्छा हुई कि जादू एक अच्छी कला है। उस समय चमत्कार था, कला भी नहीं जी, चमत्कार ही कहेंगे। जब पहली बार देखा तो ऐसा लगा कि ये बहुत अद्भुत चीज़ है, ये कैसे हम इसके नज़दीक पहुंच सकते हैं। आकर्षण हुआ, थोड़ा लगाव बढ़ा, बढ़ते हुए जब मैं यहाँ कोटा आया तो मुझे मेरे कुछ साथी जादूगरों में से पहचान हुई जो स्थानीय कोटा के निवासी थे, तो उनके साथ बातचीत में मुझे शौक बढ़ा और जादू में प्रवेश कर गए। पता ही नहीं लगा कैसे प्रवेश हुआ। जादू में आपके गुरु कौन रहे? ऐसे तो मेरा स्थानीय जो जादूगर थे CP शर्मा जी थे यहाँ अपने श्रीपुरा के पास जो अपने, और जादूगर महेश थे, उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने अपने गुरु जो थे परमानंद जी मिश्रा जी, श्रीमान, वो अभी नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया है, लेकिन जब उन्होंने उनसे मिलाया तो मुझे जादू के क्षेत्र में बड़ा आश्वासन मिला और वहीं से मैंने उनको गुरु स्वीकार किया और उनके सानिध्य में मैं जादू में अपनी इस उपलब्धि तक आज पहुंचा हूं। लोगों का नज़रिया है कि जादू एक अंधविश्वास होता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अंधविश्वास तो एक ऐसी चीज़ है, अलग अलग धारणा है जी। लोग अंधविश्वास का फ़ायदा उठाते हैं, लोगों को मैं कहूँगा कि अंधविश्वास से बचना चाहिए। वैसे जादू कहीं अंधविश्वास नहीं फैलाता है। हम जादूगरों में, और आपने देखा होगा ये फुटपाथ पर दिखाने वाले आते हैं,
रोड पर दिखाने वाले आते हैं उनको बाजीगर कहा करते हैं। वो बाजीगर हड्डी रख लेंगे और थोड़ा खोपड़ी रखेंगे किसी प्रकार का, वो चमत्कार दिखाते हैं, वो अंधविश्वास है। और हम जादूगर एक शिक्षित वर्ग होता है, जैसे हम कहें कि जेंटलमैन और मैन, लेडीज़ और वुमेन, तो जो शिक्षित और सभ्य जो होते हैं उनको जादूगरों की श्रेणी में रखा जाता है। तो हम अंधविश्वास को दूर करने के लिए ही जादू का प्रदर्शन करते हैं, इसको एक कला के रूप में प्रदर्शित करते हैं, लोगों में संदेश भी देते हैं कि ये एक कला है, इसको कला के रूप में समझा जाए, देखा जाए तो अच्छा मनोरंजन है। आपका राजनीति से भी जुड़ाव रहा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति में मेरी कोई रुचि तो नहीं है, लेकिन कुछ अनुभव मैंने लेने की कोशिश की कि जादूगर होने के नाते इस राजनीति को भी थोड़ा समझें। तो मैंने एक बार पार्षद का चुनाव लड़ने का विचार किया, और विचार क्या किया, कुछ लोगों ने ही प्रोत्साहित किया था, तो उस राजनीति का शिकार बने, राजनीतिज्ञ नहीं बने। अच्छा। तो मेरा अनुभव अच्छा नहीं रहा, उस चुनाव में भी नहीं रहा। क्या है, राजनीति करने वाले कई तरह से आजमाते हैं, फिर मेरा हाथ खींच लिया और कभी दोबारा मुड़कर राजनीति कर नहीं देखा। बस एक चुनाव लड़ा, चुनाव में हार हुई, लेकिन उस हार से ही सबक मिला कि उसमें षड्यंत्र था, तो मुझे हिरास नहीं आया। सर, हम जानना चाहेंगे कि जादू के अलावा आपकी और क्या क्या हॉबीज रही? जादू के बाद अगर मुझे लगा कि अब उम्र के हिसाब से कुछ किया जाए, तो रिटायरमेंट के बाद राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद सोचा कि जादू के अलावा भी कुछ किया जाए। तो मैंने देखा कि मैजिक और म्यूजिक दोनों लगभग समझे जाने वाले शब्द हैं। हमें कई बार हम मैजिशियन कहते हैं तो हमें म्यूजिशियन समझ लिया जाता है। तो मेरी रुचि हुई और मैंने यहाँ अभी प्रवेश भी लिया सरकारी विद्यालय। अच्छा। महात्मा गांधी स्कूल में जहाँ चलता है वहाँ प्रवेश भी लिया। उसके बाद मुझे किसी ने कहा कि भाई संगीत सीखने के लिए आप निजी स्तर पर प्रयास करें, तो सुरांजलि संस्थान को परिचित किया और मैंने भी जानकारी की, मुझे रुचि हुई, मैंने करते हैं। तो सुरांजलि में आए और सुरांजलि आकर के देखा कि संगीत में जब स्टूडियो देखा, वहाँ की व्यवस्थाएं देखी, स्टूडेंट्स को देखा, सिखाने का तरीका देखा, तो लगा कि सीख सकते हैं, उम्र इसमें कोई बाधा नहीं है। तो थोड़ा रुचि बढ़ाई और सुरांजलि को ज्वाइन किया। बहुत अच्छा, आप म्यूजिक को कंटिन्यू, म्यूजिक के लिए आगे बढ़िए, हम भी यही चाहेंगे। सर, आपने जो जादू के शो किए हैं वो तो कब कब और कहाँ कहाँ किए? जादू में मैं स्टार्टिंग से बताऊँ आपको, तो 85 में मैंने पहली बार कोटा में शो किया था जी। नामदेव जी की धर्मशाला में, वो मेरी मैजिक की एक शुरुआत थी। उसके बाद इंडो राजस्थान मैजिकल सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की और 85 में दरियागंज दिल्ली मेरा 5 दिवसीय जादू सम्मेलन में कार्यक्रम था। 20 सर्वश्रेष्ठ जादूगरों में मैं प्रदर्शन कर चुका था, वो मेरा पहला बड़ा स्टेज शो रहा है। उसके बाद निरंतर जादू चलता चला आ रहा है। जैसे आप जादू दिखाते थे जी, तो इस क्षेत्र में कभी परिवार के प्रति या समाज का नज़रिया क्या रहा? हाँ बिल्कुल, ये बड़ा गहन सवाल है। सरकार और समाज दोनों अपने अपने दृष्टि से होते हैं। सरकार से हम अपेक्षा रखते हैं कि इसको कला के रूप में प्रोत्साहित करें, और समाज से हम अपेक्षा रखते हैं कि इसको मनोरंजन के रूप में, अच्छे मनोरंजन के रूप में, अंधविश्वास के विरोध में इसको स्वीकार करें। लेकिन समाज में अभी तक जो भ्रांतियाँ रही हैं वो तंत्र मंत्र, टोने टोटके, जादू से लोगों को ठगना, बेवकूफ़ बनाना, उसका दुरुपयोग करना, कई तांत्रिकों द्वारा कुछ असामाजिक गतिविधियाँ, तो इनसे जादू को छवि ख़राब हुई है। जबकि भारत में जादू एक कला के रूप में है, और हम जादूगर, हमारी संस्थाएं हैं रजिस्टर्ड, मैं रजिस्टर्ड मेंबर भी हूँ IBM का। इससे पहले मैंने आपको बताया इंडो राजस्थान मैजिकल सोसाइटी का सदस्य रहा हूँ मैं। तो हम रजिस्टर्ड जादूगर अंधविश्वास के विरोध में ही काम करते हैं। हम बताते हैं कि ये एक ऐसी कला है जिसे बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, पति पत्नी, समाज में छोटे बड़े बुजुर्ग एक साथ इस कला को प्रदर्शित कर सकते हैं, देख सकते हैं, मनोरंजन का लाभ उठा सकते हैं, जबकि फिल्मों का नहीं ले सकते। कवि और कविताओं को भी एक बार अलग अलग दृष्टिकोण से हो सकता है, लेकिन जादू में कोई अश्लीलता नहीं होती है।
जादू को मनोरंजन के रूप में अब ये समाज स्वीकारे, ये तो हम अपेक्षा रखते हैं, लेकिन समाज की भ्रांतियाँ कुछ असामाजिक तत्वों ने बिगाड़ दी हैं। इस मैजिक शो में जब भी आप कहीं बाहर गए मैजिक शो करने जी, तो आपकी किन किन विशिष्ट कलाकारों से आपकी वहाँ पे मुलाकात हुई जो आपको अभी तक याद है या जिनको आप भूल नहीं पा रहे हैं? देखिए, जादू तो एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ भी जादू का नाम आता है हमें कोई ना कोई विशेष हस्तियाँ, महान हस्तियाँ जो प्रसिद्ध हैं या व्यक्तित्व हैं, बड़े अधिकारी हैं, लगभग लगभग एक बार बुलाते हैं, सम्मान देते हैं, मिलते जुलते हैं, तो अलग दृष्टि से देखा जाता है। जादूगरों को एक अलग ही सम्मान होता है, हर जगह मिलता है, वो हमें भी मिला है। जादू कला के माध्यम से अगर कहें तो सबसे बड़े विश्वविख्यात जादूगर के लाल हुए हैं गुजरात से, मेरा उनसे मिलना मेरी बड़ा भाग्य की, मतलब ये मैं कहूँगा कि बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि उनका सानिध्य मुझे मिला। जयपुर में मुझे 93 में मुझे चांदी के मेडल से सम्मानित किया था, वो केलाल साहब के माध्यम से था। श्रीमान अशोक जी गहलोत जो हमारे अभी CM रहे हैं और कपड़ा मंत्री रहे थे, पहले केंद्रीय कपड़ा मंत्री, वो हमारे चीफ पैटर्न रहे थे इंडो राजस्थान मैजिकल सोसाइटी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, मतलब हमारी संस्था को उन्होंने बड़ा प्रोत्साहित किया, उनसे मिलने का अवसर। उनके फादर जादूगर थे, वो भी जादूगर के नाम से जाने जाते थे, और उनके फादर की स्मृति में हमने जादू समारोह किए हैं, जादू महासंघ की स्थापना की, तो उनसे मिलने का अवसर मिला। दिल्ली में मोदी जी का जन्मदिवस मनाया गया था, तब दिल्ली जाने का अवसर मिला। मीनाक्षी लेखी जी थी सांसद, वो हमारे कार्यक्रमों में कई बार स्वीकृत कर चुकी हैं, तो उनसे भी मुलाकात हुई। और कई महान हस्तियाँ हैं, जैसे सुरेश जी चौहान जो कि TV चैनल उनका बहुत फेमस रहा है, सुदर्शन, उनसे मुलाकात हुई, और भी ऐसे कई हैं, फिल्मी हस्तियाँ भी हैं। सर, आपने इतने बड़े बड़े मैजिक शो किए हैं, तो अभी अपने पास इतने साज सज्जा वो सब तो नहीं है, लेकिन आप इस व्यवस्था के साथ जो भी दिखा पाए हमारे दर्शकों को अपना जादू जरूर दिखाएं। दर्शकों को जादू दिखाने के लिए तो जादूगर हैं ही, बने हैं, तो जादू दिखा सकते हैं, लेकिन अब मैं चाहूँगा कोई कॉइन वगैरह आपके पास यदि कोई हो जी, तो आपका ही कॉइन हो ज़्यादा बेटर रहेगा जी। तो मतलब ऐसी चीज़ें दिखाएं जो दर्शकों को ऐसा लगे कि भाई सामान्य, हाँ, सामान्य से दिखाया जा सकता हो। जैसे दर्शकों में से ही आया है कॉइन, और आप ही से कहूँगा मैं कि आप इस पर कोई साइन या निशान कर दें, थोड़ा पेन डार्क चलाना पड़ेगा आपको। अच्छा, किसी भी तरह से? हाँ, किसी भी तरह से हो गया सर, इस पर सिग्नेचर जो हाँ। मांग रहे हैं। देखिए, मेरे पास वैसे एक कॉइन है, कोई दो कॉइन नहीं है, तो इस कॉइन को आपके सामने मैं इस हाथ में एक करता हूँ, राइट। अब ये कॉइन मेरे पास रखा है, लेकिन मेरे पास एक डब्बी भी है, और उस डब्बी का डब्बी मैंने इसमें क्या रखी हुई है, दरअसल क्या हम साथ रखते हैं, तो मैं एक डब्बी लाता हूँ, जैसे वे पैक है, और कॉइन मेरे पास हाथ में, डब्बी आप देख सकते हैं, इस डब्बी को अगर मैं लेता हूँ और रखता हूँ, तो ये कॉइन इसके अंदर प्रवेश करता है। अब आप इस डब्बी को खोल कर चेक करेंगे कितना जल्दी आपका साइन क्या हुआ कॉइन है। ये बड़ा बहुत फास्ट ट्रिक है, लेकिन आप देखिए पहले डब्बी को एक बार हिला के देखिए कहीं से खुलती है, कहीं से आने जाने का कोई प्रवेश, कोई रास्ता, कोई रास्ता कहीं से भी हो, और रबर बैंड भी बहुत टाइट है, टाइट लगा हुआ है, इतना शायद बड़ा मुश्किल होगा इसको 1 by 1 खोलेंगे आप। हाँ बिल्कुल, फिर इसको, हाँ इसके बाद निकाल लीजिए इसको, ये मुझे दे दीजिएगा, हाँ रबड़ खोलना। अब आप देखिएगा रबड़ कितना टाइट है, और इसको शायद हिलाना भी बड़ा मुश्किल है, और कहीं से जॉइंट भी नहीं है, बड़ा टाइट था सारा। और यही ख़त्म नहीं होता है, इसके बावजूद भी आप देखिएगा शायद ये एक बैग है, कहीं से इसमें रास्ता हाँ, तो नहीं है, नहीं कोई रास्ता। देखिए इसमें क्या रबड़ बैंड है, सबको दिखाइए, थोड़ा आप दर्शकों को दिखाइए कि रबड़ बैंड से पैक है, इसको ऐसे दिखाइए, ये देखिए रबड़ बैंड है,
जो चारों तरफ से लगा हुआ सिली हुई थैली है, हाँ। ये वही कॉइन है जो हाथ से डब्बी के अंदर, डब्बी और डब्बी के अंदर बैग, और बैग भी रबर बैंड से, कितना टाइट रबर बैंड है आप देखिएगा, इतना जल्दी इसके अंदर कैसे आ गया, साइन किया हुआ है आपका, पहचानेंगे आप, खोलिए। आप पॉकेट में नहीं रख सकते इतना जल्दी तो, और ये आप बताइएगा दर्शकों को कि जो आपने साइन किया क्या वही कॉइन है? जी ये साइन किया वही है, सिग्नेचर किया हुआ। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि एक डब्बी के अंदर डब्बी और डब्बी के अंदर भी थैली, हाँ। थैली बिल्कुल रबर बैंड से पैक और चारों तरफ से बंद है, और ये कॉइन इतना जल्दी आप पॉकेट में नहीं रख सकते, हाँ। इतना रबर बैंड नहीं लगा सकते, और ये कॉइन जैसे ट्रांसफर हुआ तो शायद ही हमें देना है, और ये मैजिक है। मैं इसको कोई अंधविश्वास से नहीं जोड़ना चाहूँगा कि अंधविश्वास, इसके अलावा भी अगर और कुछ अपन देखें तो मैं आपको मैं इधर दिखा सकता हूँ आपको, जैसे थोड़ा सा आपको दिख रहा है, इधर दिखाई दे रहा है, दर्शकों को भी दिखेगा। चश्मा मेरा या कोई और चश्मा हो तो और भी चश्मा ले सकते हैं, दर्शकों में से भी लिया जा सकता है चश्मा, और अदरवाइज आप कहें तो मैं अपना चश्मा भी ले सकता हूँ। जैसे तो जैसे ये चश्मा है, अब इस चश्मे को लीगली वो इसको हमने नाम दिया तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो टीवी में आता है, हाँ। ये जादूगर अशोक का उल्टा चश्मा, पलटा चश्मा, पलटा चश्मा। तो ऐसे बहुत सारे मैजिक हैं जो हम दिखाते रहते हैं और दर्शकों में दिखाया जा सकता है। अभी आपको मैं और भी दिखा दूं क्या, एक मिनट रुकिए, जैसे एक रुमाल है, राइट, ये इसके अंदर रुमाल में से रुमाल निकाल दिया, और इसी रुमाल को अगर हम ऐसे लेते हैं इसमें, तो आप इतनी फास्ट गायब नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। अब ये और दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत छोटी चीज़ें हैं जो पॉकेट में कभी हम साथ लेके चलते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये यहाँ एक स्टार है, और वो स्टार ऐसे होता है। अब आप इधर देखेंगे तो अब इस स्टार को हम इधर ले जाएंगे, अच्छा, राइट, और एक इधर भी आएगा, तो ये दोनों साइड। अब हम इसको दोनों को एक जगह कर देंगे तो दोनों एक जगह हो जाएंगे। क्या बात, बहुत बढ़िया। और इस दोनों को भी हम जेब में रखेंगे तो ये इधर हो जाएगा, ये भी गायब। ये एक इस प्रकार का है कि जितना दिखाएं तो जादू का खजाना है, कभी खाली नहीं होता। और इसके अलावा भी है, तो जैसे अगर आपके पास घड़ी हो तो घड़ी को हम सांसों से कंट्रोल कर देते हैं, अच्छा। जितनी देर सांस रोकी जा सकती है घड़ी को जब चाहें तो रोक सकते हैं। आपकी सांस है, आपने एक मिनट के लिए सांस रोकी, घड़ी स्टॉप हो जाएगी और सांस चलने के साथ ही घड़ी जी। बड़ा अच्छा है, जरूर सर दिखाइए। अगर घड़ी मेरी है लेकिन आपको लगेगा कि तो कोई मैजिक की हो सकती है, लेकिन आपकी अपनी घड़ी से भी दिखाया जा सकता है। चलिए दर्शकों में से भी देना चाहिए। चलो देख लीजिएगा, वैसे इसमें कुछ नहीं है, और चाबी वगैरह सब कुछ सेकंड की सुई है। तो आप देखिए, लेकिन अभी शायद कैमरे में इधर आ जाए थोड़ा सा, तो बाकी आपको तो दिखाई देगी, दिखाई दे ये घड़ी आपको चल रही है, सेकंड की सुई दिख रही है ना, हाँ। चल रही है, चल रही। अब आप सांस रोक सकते हैं या कमांड दे सकते हैं, दोनों में से जो भी आप चाहें। आप कमांड देंगे स्टॉप तो स्टॉप हो जाएगी, ताकि सुनाई भी देगा दर्शकों को, बाकी समझ, हाँ, बोलने में। तो आप बोलिए स्टॉप,
देखिए, नहीं हुई नहीं तो जी। अब आप स्टार्ट कहेंगे स्टार्ट हो गई, कमाल का जादू है। स्टार्ट कहेंगे तभी स्टार्ट होगी, स्टार्ट राइट। अब आप स्टॉप कहेंगे फिर स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप स्टार्ट। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा है, ये मैजिक है जितना दिखाएं। लेकिन ये अंधविश्वास के बिल्कुल विरुद्ध है, इसमें कोई किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है, एक आर्ट है और आर्ट को दिखाने का ही जो सीक्रेट है वही वही मैजिक है। बहुत अच्छा सर, आप इस शो में आए और आपने अपना अमूल्य समय दिया और बहुत ही अच्छा मैजिक शो दिखाया और दर्शकों को भी बहुत अच्छा संदेश दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी कि आपने अवसर दिया और दर्शकों का भी कि दर्शकों ने बड़े अच्छे उससे इस कार्यक्रम को देखा है और आगे भी इससे जो प्रेरणा आपसे हमें मिल रही है दर्शकों को भी मिल रही है, निश्चित तौर पर ये सफ़र चलता रहे जी। और आपके इस कार्यक्रम के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभेच्छाएं कि ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, लोग जुड़ते रहें। नमस्कार। सफर जिंदगी का।